नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंचकुला सेक्टर 6 के एमएसएमई भवन के बाहर आज व्यापारियों ने गांधीगिरी दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार के एमएसएमई विभाग के अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए व्यापारियों ने प्रार्थना की। हरियाणा के इंडस्ट्रियलिस्ट व व्यापारी वर्ग ने की गांधीगिरी। हरियाणा सरकार के एमएसएमई विभाग के अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए हवन किया गया। प्रतिष्ठित समाज सेवी इंडस्ट्रियलिस्ट हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर व ओपरा चैरिटेबल फाउंडेशन के संचालक का कहना है कि हरियाणा सरकार में एमएसएमई के एक्ट 2016 में लागू हुआ था, जिसे मध्यम वर्ग के इंडस्ट्रियलिस्ट व व्यापारियों के लिए मुश्किलों का आसान करने की कवायद मानी जाती है। इस एक्ट के अनुसार इंडस्ट्रीज व व्यापारियों के पेमेंट से जुड़े मामलों का एमएसएमई विभाग 90 दिनों के अंदर निपटारा कर देता था। पिछले 3 वर्षों से भारत में कामयाबी की मिसाल हरियाणा के सबसे काबिल मुख्यमंत्री व ब्यूरोक्रेसी के अफसरों के बावजूद एमएसएमई की विभाग कछुए की चाल से रेंग रहा है। जिस काम के लिए एक्ट में 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है, वह काम 33 सालों के बावजूद लंबित पड़े हुए हैं। इस वक्त लगभग 600 ऐसे मामले एमएसएमई विभाग के पास पेंडिंग है। ये है अर्थ प्रकाश की विशेष रिपोर्ट। एचएसवीपी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर आज आपने पीसफुली प्रोटेस्ट किया है, क्या वजह है इसकी? एचएसवीपी की बिल्डिंग के ऊपर सेकंड फ्लोर पे एमएसएमई का फंक्शन और एमएसएमई का ऑफिस है। एमएसएमई की वर्किंग पिछले 2-3 सालों से काफ़ी स्लो हो रही है, जिससे कि बिजनेसमैन को एमएसएमई इंडस्ट्री को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये हवन कराया गया। यह भगवान हमारे ऑफिसर्स को हमारे मुख्यमंत्री जी के ये नोटिस में आए, और जो अच्छे ऑफिसर्स हैं काफ़ी हमारे हरियाणा में ब्यूरोक्रेट्स और मुख्यमंत्री भी, तो उनके नोटिस में लाने के लिए ये सारा काम किया गया, ताकि इसकी जो वर्किंग है एमएसएमई की उसको इम्प्रूव कराया जाए। व्यापारियों को किस तरीके की परेशानी आ रही है सर? परेशानी एमएसएमई में एक 2006 एक्ट है एमएसएमई में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, और उसके अंडर फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ अपने रूल्स बना रखे। तो 2006 जो एक्ट है उसमें एक प्रोविज़न है कि एमएसएमई की जो भी पेमेंट्स वगैरह लेट होती हैं किसी भी सप्लायर से, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, तो आप एमएसएमई काउंसिल जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर है उसको अप्रोच करते हो, वो 90 डेज में आपका रेजोल्यूशन करते हैं, ये एक्ट में लिखा हुआ। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी पिछले 3 सालों में दो तीन साल कोई उसके ऊपर एक्शन ही नहीं होती, जिसके कारण एमएसएमई इंडस्ट्री को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। एमएसएमई डिपार्टमेंट बनाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि एमएसएमई को प्रमोट किया जाए। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए एमएसएमई जो इंडस्ट्री है वो इकॉनमी की, टैक्सेशन की, एम्प्लॉयमेंट की बैकबोन है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट ही एमएसएमई के लिए इस तरह या वर्किंग वाले ब्यूरोक्रेट्स इस तरह बिहेव करेंगे तो इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर सकती। और हमारे कंट्री में इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले और इकॉनमी भी प्रॉस्पर करे। तो इस तरीके का प्रोटेस्ट करने का आइडिया कहाँ से आया आपको? ये हमारे हिंदू धर्म में है कि हम जो भी चीज़ नोटिस में लाना चाहते हैं, गांधी जी ने हमें नॉन वायलेंस सिखाई है, तो ये एक अच्छा तरीका है भी हम किसी को डिस्टर्ब भी ना करें, क्योंकि कंट्री तो हमारा है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम कंट्री की इकॉनमी को किसी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट थोड़ी करना है, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी डैमेज करनी है। और हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि जब भी हम हवन कराते हैं उससे शुद्धि होती है, तो ये एक अच्छा तरीका है, मेरे ख्याल से सभी को ये करना चाहिए। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, आपका ये वर्किंग नहीं होता, तो अगले क्या कदम रहेंगे? अगला भी हवन कराएंगे, इससे बड़ा हवन कराएंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।